बीजेपी नेता साक्षी महाराज विवादित बयानों को देखकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अभी फिर से हाल ही में उन्होंने फिर से एक विवादित बयान दिया, जहां उन्होंने सवाल उठाया है कि हमें कब्रिस्तान के ऊपर सवाल उठाने पे मजबूर ना करें, हमारे दायर की परीक्षा ना ले। नमस्कार, मैं नित, और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त का जो बीजेपी नेता का एक विवादित बयान आ रहा है कब्रिस्तान को लेकर के, कि वह कब्रिस्तान के ऊपर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। उन्हें फायर ब्रांड नेता भी कहा जाता है बीजेपी का। ऐसे विवादित बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं। आइए फिर से डालते हैं नजर उनके विवादित बयान पर। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं, वो अन्याय नहीं है क्या? मजबूरी कुछ नहीं है, काय की मजबूरी है? मजबूरी यह है कि हमारे धैर्य और हमारी शालीनता का परिचय न लिया जाए, परीक्षा न ली जाए। हम लोग पता नहीं कहां से कहां करने वाले हैं। वो अघोषित जगहों में हैं अरुण सिंह जी, जब चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, लखनऊ में कोई घुस नहीं सकता था। अमर शहीद गुलाब सिंह को किसने बुद्धि दी होगी? वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन्होंने अंदर झंडा तिरंगा रखा, अंदर छुपा के, और एक भेद हाथ में लिया, चुपचाप चले गए लखनऊ में, जहां कुछ लोग घंटे सभा कर रहे थे, और खेल खेल में पेड़ पर चढ़ गए, और पेड़ पर चढ़ करके अंटी से झंडा निकाल के बैग में डाल लिया और ऐसे लहरा दिया।